नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एनएच 91 पर चलता टैंकर बना आग का गोला, मची अफरातफरी। टैंकर चालक व परिचालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। टैंकर में डीजल या पेट्रोल होने की आशंका के चलते मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने हाईवे पर अलीगढ़ की तरफ जाने वाले वाहनों को रोका। फायर टीम ने मौके पर आग पर काबू पाया। यह मामला बुलंदशहर के थाना अर्निया क्षेत्र के एनएच 91 रुकनपुर के निकट का मामला है। एक टैंकर में आग लगने की सूचना जैसे ही मिली, तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी अरनिया थाना क्षेत्र में हाईवे पर पहुंची। एनएच 91 की घटना थी और आग को बुझा लिया गया है। जनधन की कोई हानि नहीं हुई। बीसीएन न्यूज के लिए बुलंदशहर से जावेद खान के साथ मोहित भुटानी की रिपोर्ट। घने कोहरे के कारण मोटरसाइकिल व सांड में हुई जोरदार भिड़ंत। मोटरसाइकिल सवार युवक व सांड दोनों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मांस बेकरी को ले जाते समय यह हादसा हुआ है। दूसरा युवक मौके से फरार हो गया है। अज्ञात युवक के शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मांस का सैंपल लेकर पुलिस ने जांच के लिए लैब पर भेज दिया है। सीओ गविंद्र पाल गौतम व प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंची। यह मामला कोतवाली पटियाली के अलीगंज रोड का है। ये पटियाली से लगभग 4 किलोमीटर आगे दरियाबगंज रोड पर एक बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया मौके के अनुसार देखने पर एक्सीडेंटल मामला है, क्योंकि एक सांड भी पड़ा हुआ है। आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि सांड से टकरा कर आगे गिरे हैं और इनके पास से एक बोरी में जिसमें मीट है, इसे परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। तो शायद है दूसरा आदमी भी इसके साथ होगा। अब चूंकि इसके ज्यादा चोट लगी है, ये मौके पर डेड हो गया है और वो व्यक्ति भाग गया है। बीसीएन न्यूज के लिए काजगंज से फहीम अख्तर की रिपोर्ट। एटा के रायपुर बसेरा में मदरसा गौसिया गुलशन बरकात में आईपीएस सैयद मोहम्मद अफजल कादरी की चहलुम फातिमा का आयोजन किया गया। चहलुम फातिमा से पहले मदरसे में कुरान फानी का आयोजन किया गया। मदरसा संचालक हजरत चांदबिया कादरी बरकाती ने मदरसे के छात्र को कपड़े वितरित किए। सैयद मोहम्मद अफजल कादरी की चहलुम फातिमा में गरीबों को कंबल बांटे गए। चहलुम फातिमा के दौरान नात व तकरीर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तकरीर के जरिए सैयद मोहम्मद अफजल कादरी बरकाती की मुबारक जिंदगी पर रोशनी डाली गई। कार्यक्रम में मदरसा संचालक हजरत चांद मियां कादरी बरकाती ने कहा कि सैयद मोहम्मद अफजल कादरी ईमानदार अफसर के साथ गरीबों के लिए महिषा थे। उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान मानवता की मिसाल पेश की है। वह हमेशा गरीबों की मदद किया करती थी। सैयद मोहम्मद अफजल कादरी साहब हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। उनका ख्वाब था कि हर तबके का बच्चा पढ़ लिख कर देश की तरक्की में अपनी अहम हिस्सेदारी अदा करे। चहलुम फातिमा में दुआएं की गई। इस मौके पर नदीम बाबा सहित मदरसे का स्टाफ व अकीदतमंद मौजूद रहे। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के आह्वान पर आज उरई व कोंच नगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। यह ट्रैक्टर रैली कृषि कानून के खिलाफ में निकाली गई है। यह ट्रैक्टर रैली कोंच नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकली। इस रैली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिख रहा था। वहीं देशभक्ति के गीत भी इस रैली में बजते हुए चल रही थी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में जालौन पुलिस बड़े ही मुस्तैदी से जुटी हुई थी। बीसीएन न्यूज के लिए जालौन से संवाददाता की रिपोर्ट। मिर्जापुर के चुनार तहसील के सोनपुर में किसानों में आज भारतीय किसान यूनियन के नेता सिद्धनाथ सिंह के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। दिल्ली में किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने के आह्वान पर आज ग्रामीण इलाके के सोनपुर से यह किसानों की ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जो एरोरा नगर इसके बाद नारायणपुर और जमालपुर पहुंची, जहां पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह का कहना है कि यह ट्रैक्टर रैली निकालकर हम लोगों ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। सरकार को कृषि कानून वापस लेना चाहिए। कार्यक्रम है जो दिल्ली में किसान आंदोलन पर है, ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में हो रहा है। वहाँ जो निर्णय हुआ है कि पूरे देश के किसान आज राजमार्गों पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज सोनपुर से हमारी ट्रैक्टर रैली अहरौरा से होते हुए नारायणपुर, जमालपुर के लोग भी खजुराव लाएंगे और नारायणपुर के लोग टेड़ुआ पहुँचेंगे। उसके बाद मठना से होते हुए जमालपुर ब्लॉक पर जो शहीदों का स्मारक बना हुआ है,
उनको श्रद्धांजलि देने के बाद वहीं समापन होगा। मिशन न्यूज के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुर में पहुंचे लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल ने जहां दिल्ली में किसानों के साथ पुलिस की बर्बरता को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर कश्यप ने केंद्र व प्रदेश सरकार के किसानों के प्रति तानाशाह बताते हुए लोकतंत्र की हत्या बताए। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के हर स्तर के किसानों के साथ होने की बात भी कही। किसान आंदोलन को लेकर आज जनपद हापुर में समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल व पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें रामकरण निर्मल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश व निर्देश पर सभी जनपदों में ट्रैक्टर परेड निकालकर किसान आंदोलन का समर्थन करना था। तो वहीं जनपद हापुर में भी समाजवादी पार्टी के किसान रैली में शामिल होने व पार्टी के विस्तार पर चर्चा करने के लिए आज वह स्वयं हापुर पधारे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर रैली में सम्मिलित होकर ट्रैक्टर रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। वहीं दिल्ली में चल रहे किसान ट्रैक्टर परेड उसके बाद हंगामे पर चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि किसानों ने पहले से ही यह निश्चित किया था कि वह शांतिपूर्वक ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, लेकिन पुलिस ने किसानों की शांति को भंग करने के लिए किसानों पर लाठीचार्ज किया व उन पर आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद किसान उग्र हो गए। वहीं पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप ने भी प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के गरीबों के साथ है और वह किसानों के इस आंदोलन में भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और जब तक सरकार यह तीनों कानून वापस नहीं ले लेती व किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी यूं ही आंदोलन करता रहेगा। समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के आंदोलन में साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पे समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह चौपाल लगा करके इस कार्यक्रम के बारे में बताने का भी काम किया और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता प्रदेश के समस्त जिलों में एक ट्रैक्टर रैली निकाल करके तहसीलों पर धरना देने का काम आदेश था, जिसमें आपने देखा कि मैं हापुड़ जनपद में उसी कड़ी में आज यहाँ शामिल होने आया था और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन विस्तार को चर्चा भी होनी थी, लेकिन आज पुलिस का व्यवहार आपने देखा वहाँ पे आप मौजूद थे कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को जाने भी नहीं दिया और प्रदेश में तमाम किसानों को नोटिस भेज करके उनके ट्रैक्टर जब्त करने की धमकी दी और पेट्रोल टंकियों पर तेल न दे करके किसानों के आंदोलन को तोड़ने का काम किया है। एक कहावत आपने सुनी है कि गुड़ दिखा के डला मारना, ये केंद्र और प्रदेश की सरकार जनता के साथ, गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ यही काम करने का काम कर रही है कि झूठा जुमला देना और फिर डंडा मारना। किसानों को रैली ले जाने की अनुमति प्रदान किसने की? भैया आपके तमाम चैनल दिखा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अनुमति दी है किसानों को, इस रास्ते से आएंगे कुछ, इस टिकरी बॉर्डर के इस रास्ते से जाएंगे कुछ, इस रास्ते से जाएंगे, फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों? बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। कस्बा मारहरा में यादगारी अफजल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस दौरान जनपद के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एटा कासगंज से आए वरिष्ठ लोगों ने उन्हें याद किया, वहीं उनकी जीवनी पर प्रकाश डाल उनके व्यक्तिगत कार्यों की सराहना की। बता दें कि कस्बा मारहरा स्थित हजरत चांदिया कादरी बरकाती ने दुआ की चौ मतीन जमा जुबेर स्कूल में आज वरिष्ठ IPS सैयद मोहम्मद अफजल की याद में यादगारी अफजल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश शाह ने की व संचालन इंटरनेशनल संचालक नदीम फरजोसी गंज डुंडवा ने किया। एटा गुरुकुल से आए मेधाव्रत शास्त्री ने कहा कि अफजल साहब की यादगार को लेकर मारहरा में पुस्तकालय या स्मृति बनाने जाने का आग्रह किया। वहीं ADG के छोटे भाई सैयद नजीम हैदर नूरी ने बताया कि एक बार अफजल साहब के सीनियर ऑफिसर ने उनको आदेश दिए कि एक बस्ती गैर कानूनी बस्ती है, वहाँ से बस्ती खाली करानी है। जब अफजल साहब ने बस्ती का निरीक्षण किया तो देखा कि बस्ती में बहुत गरीब स्तर के लोग बसे हुए थे, तो तत्काल उन्होंने अपने सीनियर से कहा कि सर मैं इस्तीफा दे सकता हूँ पर उन गरीबों के घर खाली नहीं कर सकता, मेरे वालिद साहब ने बस्तियां बसाना सिखा है, उजाड़ना नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। पालिका अध्यक्ष मारहरा परवेज जुबेरी ने बताया कि सैयद मोहम्मद अफजल हिंदू मुस्लिमों के बहुत बड़े हिमायती थे, हर जायज काम को करा दिया करते थे। ADC के बड़े भाई सैयद मोहम्मद अशरफ ने बताया कि जब सैयद मोहम्मद अफजल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रजिस्टर थे तब 100 फाइल मृतक आश्रित वालों की पेंडिंग पे पड़ी थी, जब इन्हें पता हुआ
तो उन्होंने खुद घर घर जाकर सभी 100 लोगों को जॉब लेटर दी। वहीं क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने उनके द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। इस दौरान जाहिदा सुल्तान चेयरमैन सहावरत, नफीस अहमद चेयरमैन भरके, अशरफ हुसैन पूर्व चेयरमैन ईटा, डॉक्टर जाकिर हुसैन निधोली कला, ओम प्रकाश शाह बाबूजी, जयहिंद गुप्ता, गौरव कुमार गुप्ता, अजीत सिद्दीकी, हरिओम गुप्ता, राम प्रकाश यादव आदि लोग मौजूद रहे। आज गली सुनी है कुछ मेरे धुआं मचाने का। हम सब लोग अफसरिया साहब के दुआ फरमाते हैं, अफसरिया साहब के दर्जा को बुलंदी अता फरमाएगा, उनको जन्नत के फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाएगा और इस खानवादे को दिन दुनी रात चौक तरक्की बका अदा फरमाए। इस खानवादे का ता देर हम सबके स्वरूप सहाय कायम दायम फरमाए। बार इलाह हम सब गुनहगार सियाकार सकाकर ने हम सबके खताओं को लेशु गुनाहों को माफ अता फरमाए। जो लोग यहाँ पर हाजिर हैं बार इलाह इन सबके हाजिर को मकबूल का शफ अता फरमाए, सबकी जायज़ तमन्नाओं को जायज़ मुरादों को पूरा अता फरमाए। वाफ़ दवा अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। बीसीएन न्यूज के लिए मारहरा से संवाददाता की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।